सभी का यार फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बात करते हैं कैप्सूल का। आज हम लोग इससे पहले हैं, आज हम लोग नेक्स्ट कैप्सूल की बात करते हैं, यानी कि 14वां दिन का कैप्सूल की बात करते हैं। 14 दिन का कैप्सूल में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आवेश का आयतन घनत्व किसे कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हम क्या देंगे, जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है तो प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करना होगा तो कहेंगे क्या कि जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है तो प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश को आयतन घनत्व का सूत्र बताइए। आवेश के आयतन घनत्व का सूत्र रो इज इक्वल टू क्यू वाई भी होता है। आवेश का आयतन घनत्व का सूत्र क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्यू वाई भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक बताएं। आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक बताएं। तो कहेंगे आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक कूलम पर मीटर क्यूब होता है। आवेश का आयतन घनत्व का एसआई मात्रक कूलम पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोले में आवेश का आयतन घनत्व कितना होता है? गोले में आवेश का आयतन घनत्व कितना होता है? तो कहेंगे गोले में आवेश का आयतन घनत्व 3Q/4πR³ होता है। 3Q/4πR³ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण बताएं। विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण बताएं। तो सबसे पहला गुण की बात करते हैं, विद्युत बल रेखाओं की दिशा किसी धनात्मक आवेश से परे तथा ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी धनात्मक रेखाएं होती है वो बिंदु आवेश से बाहर की ओर जाती हैं, दूर जाती हैं, और ऋणात्मक आवेश जो होती है वो केंद्र की तरफ आती है। जैसे अमीर लोग क्या करते हैं, पैसे को दान करते हैं तो बाहर जाता है पैसा, तो धनात्मक हो गया, ये धनी का पहचान है, यानी कि धनात्मक का पहचान है। गरीब लोग क्या करते हैं, वो मांगते हैं अपने तरफ कि पैसा दे दो, ये मतलब अपने तरफ लेते हैं, यानी कि इसकी दिशा उसके केंद्र की ओर होती है, तो वो हम ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। और दूसरा गुण है कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती है, समझाइए। विद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती हैं, समझाइए। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्योंकि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी। यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर अगर एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अतः उस बिंदु पर विद्युत रेखाएं की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। जब कोई भी दो रेखाएं अगर एक बिंदु पर काटती हैं तो ये दोनों जो रेखाएं की दिशा होंगी दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। कभी नहीं हो सकता है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की दिशाएं दो तरफ हो, एक उधर भी एक उधर। अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर की ओर होगा, नेगेटिव होगा तो अंदर की ओर हो सकता है। तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकता है, वो अलग अलग होता है। इसलिए कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यह हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आप पसंद करते हैं वीडियो को तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे की बात करते हैं, नेक्स्ट डे में भी हमारे साथ बने रहिए। चलिए बात करते हैं आज आपका एआरएफ फिजिक्स क्लासेस 15वां डे। 15वां डे में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कैसी होती हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कैसी होती हैं? तो कहेंगे परस्पर समानांतर तथा एक दूसरे से समान दूरी पर। जो समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। ऐसा नहीं कि एक अभी है तो एक बहुत ज्यादा दूर पे है, फिर तीसरा जो है कम दूरी पर है। उनकी रेखाएं जो भी होती हैं एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं और समानांतर होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विदु क्षेत्र की तीव्रता का क्या महत्व है। विदु क्षेत्र की तीव्रता का क्या महत्व है? तो कहेंगे इसका प्रयोग किसी आवेश पर बल की गणना करने में किया जाता है। विद्युत आवेश की तीव्रता का क्या महत्व है? तो कहेंगे कि इसका प्रयोग किसी आवेश पर बल की गणना करने में किया जाता है, अर्थात एफ बराबर क्यू ई। क्यू जो है वो विद्युत आवेश है और ई जो है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और एफ जो है हमारा विद्युत बल है। यानी कि विद्युत बल ज्ञात करने के लिए हम आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव ध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव ध्रुव किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि कुछ दूरी पर पृथक किए गए दो समान परिमाण में और विपरीत आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव ध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव ध्रुव किसे कहते हैं? तो कहेंगे कुछ दूरी पर पृथक किए गए दो समान परिमाण में और विपरीत आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव ध्रुव कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव में कोई एक आवेश, विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव में कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से परिभाषित करना चाहेंगे कि विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव में कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, अर्थात पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल वेक्टर। आपको बताना चाहेंगे कि विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। पी वेक्टर बराबर विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण के कोई एक आवेश यानी कि क्यू इंटू टू एल यानी कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के ये लंबाई है, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि है? विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि है? तो कहेंगे विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है या एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक बताएं। विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। क्या होता है? कूलम मीटर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिख देते हैं सेंटीमीटर या पढ़ लेते हैं सेंटीमीटर, जबकि ये गलत होता है। तो हम लोग कहेंगे विद्युतीय द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या है? तो कहेंगे कूलम मीटर है। ये आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए कैप्सूल, नए नए थ्योरी, न्यूमेरिकल और बहुत सारे प्रॉब्लम जो फिजिक्स से रिलेटेड है वो आपको मिलते रहे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में